नोटबंदी के एक महीने के बाद भी लाल कुआं में लोग बहुत ही परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से छुट्टियों के चलते बैंक बंद थे, लेकिन सोमवार को बैंक जैसे ही खुले तो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लाल कुआं के भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में हजारों लोग कैश लेने पहुंचे। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि एक महीना बीत गया, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाया है। बीते 3 दिनों से लालकुआं कस्बे के 11 एटीएम में ना तो एक भी पैसा था और ना ही बैंक खुले थे। ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज सुबह से लाइन में लगे 6 बजे से, यहाँ आदमी नाइट ड्यूटी करके आ रहा है और सुबह यहाँ लग जा रहा है। अब नाइट ड्यूटी और करनी है, अब आदमी क्या नहाएगा क्या खाएगा। बच्चों को दवा ववा कराने के लिए हर वक्त परेशान हो रहे हैं हम लोग, पैसे के मामले लेकर। अब सर मजदूर आदमी को अपना ही पैसा नहीं मिल रहा सर, तो बाकी आगे क्या किया जाए। बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों का कहना है कि मजदूर और गरीब काश्तकार को नोटबंदी के बाद अब दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, लिहाजा सरकार को चाहिए कि व्यवस्था को तुरंत बदला जाए। सुबह से लाइन पर लगे हुए हैं यहाँ पर, समस्या यही है। क्या आपको नहीं लगता कि एक महीने से ऊपर हो गया, थोड़ा व्यवस्था तो कम से सुधार होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सभी को लेबर मजदूर से लेकर के कर्मचारी अधिकारीगण सभी लोगों को परेशानी है। इसमें पैसा भी आ रहा है वित्त मंत्रालय से, मगर बीच में जो घपले बाज हैं, किसी के यहाँ 70 करोड़, किसी के यहाँ 90 करोड़, किसी के यहाँ 4.7 करोड़, और नई नई करेंसी पकड़ी जा रही है, तो बैंक तक कहाँ पहुँचेगी। जब सरकारी अफसर ही ऊपर से ऐसा कर रहे हैं, एक्सिस बैंक वाला आपने देखा, कॉरपोरेशन बैंक वाला आपने देखा। देवभूमि न्यूज के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका।